कौन आदमी? ये तो मुझे नहीं मालूम सरकार, लेकिन शंकर बाबू के कॉटेज में बैठा है। कौन सा शंकर? वही जो मीना बिटिया को भोला के यहाँ से छुड़ा के लाए थे। सरकार मुझे शक इसलिए हुआ कि मुझे देखकर कि वो जल्दी से छिप गया। किस टाइप का आदमी है? बस यही सरकार की उम्र का होगा और एक पैर से लंगड़ा भी है। सरकार लंगड़ा? वो देखो सरकार, देखो सरकार। बेटे सोहन, वापसी पर मुझे न पाकर परेशान न होना, क्योंकि एक आदमी ने मुझे यहाँ देख लिया है, इसलिए मेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। कल रात जिस स्कीम पर हमने बात की है वो ठीक है, मेरे भाई के कातिल का आज रात खात्मा कर डालो, कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तुम्हारा पिता विष्णु। डर किस बात का? अगर तुम वो ना हुए जो मैंने समझा है, मुझे यकीन दिलाओ शंकर की तुम वही हो, वही जो मैं समझ रही हूँ। कसम इस हसीन रात की, जिसकी छाव में हमारी कर्म सांसें लिपट रही, मैं वही हूँ जो तुम्हारा दिल कहता, मैं वही हूँ जो तुमने समझ रखा। बाबूजी! हट जाओ। तहखाने में अगर यहां से ये निकल गया तो टुकड़े टुकड़े उड़ा दूंगा सबके। चलो जल्दी करो। मीना बाबूजी, अगर तुझे इतना ही पता होता तो मुश्किल क्या थी। बाबूजी Thank you.
मीना, मैंने मैंने एक सपना देखा है मीना, जैसे कोई कोड़े मुझे मार रहा है, लेकिन लेकिन ये खून कैसे निकला? बेगुनाह की फरियाद आसमान तक जाती है बाबूजी, एक निर्दोष का बदला भगवान आपसे ले रहा है। एक पापी और चंडाल को तू बेगुनाह कह रही है? हाँ, वो बेगुनाह है और उसका सबूत है ये खून जो आपके दिल से छलक कर आपके होठों पर आया है। तेरी समझ को क्या हो गया है मीना? वो मेरे खून का प्यासा है। अगर ये सच होता तो आज आप चैन की नींद सोते, कोड़ों की मार आपके शरीर पर न पड़ती। जो खून शंकर ने तड़प तड़प कर थूका है उसका मजा आपकी जुबान पर ना होता। तेरी चाह तुझे भटका सकती है, मुझे नहीं। मैंने अपनी आंखों से विष्णु को उसकी काठी में देखा है। क्या दूसरा शंकर विष्णु को वहाँ नहीं भेज सकता? लेकिन ये खबर दूसरा शंकर नहीं, मेरा नौकर गणेश लाया है। गणेश को खरीदने में कितनी दौलत की जरूरत है बाबूजी? और ये खत, इसमें मेरे कत्ल की साजिश है? ये और ऐसी हजारों चाले शंकर को झूठा साबित नहीं कर सकती, इसलिए कि उसके माथे पर लिखा है वो आपकी औलाद है। देखिए स्पून को, ये वही तो है जो आप अपने कोड़ों से वहां निकाल कर आए, आपका अपना खून। मीना, औलाद का खून बहाकर बाप चैन से कभी नहीं तोड़ सकता। ये पहली रात नहीं बाबूजी, आज से हर रात आपके शरीर पर कोड़ों की मार पड़ेगी। आप भी अपने बेटे ही की तरह तड़ेंगे, आपके मुंह से भी वही गरम गरम खून निकलेगा जिसे शंकर ने सिसक सिसक कर धरती के सीने पे उगला है। तुम जाकर दूसरे शंकर के क्वार्टर पर पहरा रखो, जैसे ही मैं बाजा बजाऊं समझ जाना शंकर आजाद हो गया। जाओ। दिनों की बात है डैडी, फिर ये जमीनें हमारी होंगी, ये चाय के बाग हमारे होंगे, गोपाल की जीवन भर की कमाई हुई दौलत हमारी होगी। मुझे दौलत नहीं, अपने भाई के कातिल का खून चाहिए।
इसमें भी देर नहीं डैडी, फांसी का फंदा गोपाल के गले में पड़ चुका है। हर चीज का एक मुनासिब वक्त होता है डैडी, और जब तक वक्त ना आए इंतजार करना पड़ता है, और वक्त आते ही छोड़ दे मुझे, छोड़ गजब हो गया शंकर, गजब हो गया। क्या हुआ? भोला धावा बोलकर शंकर को छुड़ा ले गया। क्या? शंकर को छुड़ा ले गया? अब सोचने का वक्त नहीं सोहन, ये नाटक हम और नहीं खेल सकते। इससे पहले कि गोपाल को पता चल जाए और वो भाग निकले, हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। जीती हुई बाजी हारना चाहते हैं? कल मेरे हक में फैसला होने वाला है, और आप ये चाहते हैं कि मैं बुजदिलों की तरह भाग खड़ा हूँ? ये तबाही का रास्ता आपकी तबाही का होगा, मेरी नहीं। गणेश, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले सरकार। कल सुबह ही सरदार राजपाल के पास जाओ और उससे कहो कि